मित्रों, आज के दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से सदैव भरा रहे, उसके जीवन में दुख कभी भी ना आए। लेकिन उसके जीवन को कोई कष्ट या दुख घेर लेता है तो वह विचलित हो जाता है और वह सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। उन्हीं में से एक नियम यह भी बताया गया है कि कुछ कर्म हमें बिना वस्त्र के या नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें कभी भी पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में नहीं करना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस नए वीडियो में स्वागत है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। सबसे पहला, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में ये कहा गया है कि मनुष्य को पूरी तरह से नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय कम से कम एक वस्त्र, एक कपड़ा आपके शरीर पर जरूर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने नहाते समय गोपियों के वस्त्र चुरा कर यही संदेश देना चाहा है कि मनुष्य को कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। दूसरा, पुराणों के अनुसार कभी भी हमें पूरी तरह से नग्न होकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र देवता का अपमान होता है। साथ ही रात के समय पितृगण अपने परिजनों को जो देखने आते हैं उन्हें नग्न अवस्था में देखकर उन्हें काफ़ी दुख होता है। ये बिना आशीर्वाद दिए ही चले जाते हैं। बताया जाता है कि रात में नग्न अवस्था में सोने से नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती हैं। तीसरा, मनुष्य को आचमन के दौरान पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना विधि के खिलाफ माना जाता है। आचमन के दौरान आंतरिक शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध मन तथा हृदय से की गई पूजा हमेशा ही फलीभूत होती है। कोई गलत कार्य हो जाए तो उसके पश्चात आचमन द्वारा शुद्धि अवश्य की जाना चाहिए। चौथा, पुराणों के अनुसार मनुष्यों को सहवास या संबंध बनाते समय भी पूरी तरह से नग्न नहीं होना चाहिए। यदि शरीर पर कपड़े नहीं भी हैं तो चादर या अन्य वस्त्र से अपने शरीर को ढककर ही संबंध बनाना चाहिए। तो मित्रों, ये वो चार कार्य हमारे पुराणों में ऐसे बताए गए हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से नग्न अवस्था में होकर नहीं करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।